हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का अपना ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम बिल्कुल अलग बनाया है, ये रो हाउस प्रोजेक्ट। ये लोकेटेड है नायगांव में। नायगांव में अगर आपको चिंचोटी पता होगा, चिंचोटी में ये पूरा लोकेटेड है। एंटर करते ही ये आपका पार्किंग स्पेस, पूरा ये आपका पास पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे भी पूरा ओपन स्पेस है, आप सिट आउट एरिया बना सकते हो। ये सामने से वॉल पैक रहेगा, इसके पीछे दूसरा विला है। ये पूरा विला प्रोजेक्ट है, मोर देन 100 विलाज यहाँ पे आ रहे हैं। ये एंट्रेंस आपका रहेगा, इसके बाजू में एक स्टोर रूम बनाया हुआ है, आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। एंटर जैसे आप करते हो, यहाँ पे राइट साइड में अलग से और एक स्टोर स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आप स्टोरेज रख सकते हो। स्टेयरकेस से आपको ऊपर आना है। जब ऊपर आओगे तो आप आपके हॉल में एंटर करोगे, फिटिंग्स लाइट्स वगैरह सेम रहने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं सेम लाइट्स सेम फिटिंग्स रहने वाले हैं। ये आपका ऊपर आते ही फर्स्ट फ्लोर पे हॉल एरिया आ जाएगा, बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है यहाँ पे। ये आपका टीवी स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पे आप आपके टीवी यूनिट्स प्लेस कर सकते हो। देन ये बैल्कनी रहेगी हॉल में, ये पूरा इंटरनल स्पेस है, ये बड़ी बैल्कनी आएगी, काफ़ी लैविश हॉल बनाया हुआ है। देन हॉल के दूसरे साइड में भी एक बड़ा ओपन टू स्काई डेक स्पेस बनाया हुआ है, जो यहाँ से आपके विला के टॉप टेरेस तक ओपन नहीं रहने वाला है, अच्छे वेंटिलेशन के लिए। देन स्टेयर केस के एग्जैक्टली सेम फ्रंट साइड में किचन बनाया हुआ है। ये किचन में एंटर करने के बाद फ्रिज एरिया, आपकी बैल्कनी, ये फिट आउट्स जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे फिट आउट एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ड्राई बैल्कनी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा, सारे फिट आउट सेम रहेंगे। जैगुआर फिटिंग्स अवेलेबल है इसमें, अच्छी फिटिंग्स दी गई। देन फिर आपको सेकंड फ्लोर पर आप जाते हो, सेम स्टेयर के सेम वॉलपेपर्स, लाइट्स सारे सेम रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक वेंटिलेशन के लिए अलग से विंडो बना हुआ है। देन सेकंड फ्लोर पे जब आप आते हो तो लेफ्ट साइड में आपका ये बेडरूम, ये जो आप लेआउट देख रहे हो ये 1 BHK का लेआउट है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK 3 BHK भी अवेलेबल हैं, तो आप लग्जरी सेगमेंट में भी जा सकते हो। ये आपका पूरा बेडरूम विद बैल्कनी। अगेन बेडरूम में भी सेम हॉल जैसा ही, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह बैल्कनी है। ये जो बैल्कनी है टेक बैल्कनी ओपन स्पेस के साथ। देखिए नीचे आपका, यहाँ पे नीचे हॉल की बैल्कनी थी जो ओपन थी, मैंने वेंटिलेशन की बताई थी। वैसे ये इंटरकनेक्टेड है पूरा, ताकि एयर स्पेस में तकलीफ ना हो। फिर आप जैसे ही बेडरूम से बाहर आते हो, लेफ्ट साइड में ये ओपन टेरेस दिया हुआ है। आफ्टर पजेशन एक बार उसी आ जाए तो बाद में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो विद सम परमिशंस, तो आप एक एक्स्ट्रा एक बेडरूम बना सकते हो इसको। अगेन ये व्यू देखिए, पूरा इंटर व्यू है। देन उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका अगेन एक वॉशरूम सेकंड फ्लोर के लिए। देन आप ऊपर जाओगे तो यू विल मूव टू अ टेरेस एरिया। देखिए ये आपका आ गया टेरेस। सो ये पूरा ओपन स्पेस आपका टेरेस का ओपन स्पेस हो गया। आप यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज़ है, यहाँ से देखिए आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल व्यू विद एन सुपर्ब सनसेट। इस सनसेट का आप एक सनसेट का प्यारा सा व्यू एंजॉय कर सकते हो आपके टेरेस से। ये टेरेस यहाँ से
राइट साइड में यहाँ तक अवेलेबल है। एंड देन ये सीढ़ी से आप आपके स्टोर टैंक पे जा सकते हो, बड़ा वाटर स्टोर टैंक बनाया हुआ है। सो ये पूरा ब्यूटीफुल व्यू है। ये पूरा जो लेआउट 1 BHK का है, इसी तरह 2 BHK 3 BHK लेआउट भी है। इस साइड में आप चेक करोगे तो ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू है। इस पूरे प्रोजेक्ट में क्लब हाउस बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल है, सीनियर सिटीजन पार्क बनाया हुआ है, इसके अलावा इंडोर प्ले गेम्स है, मल्टीपल एमिनिटीज दी हुई, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें दी गई। इंटरनल एमिनिटीज में फिटआउट्स अच्छे दे रहे हैं, फैन लाइट सारे अवेलेबल होंगे इसमें। सो आपको सिर्फ जो आपके कबर्ड्स बेड्स ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको लेकर आना है। स्मार्टली डिज़ाइन किया है, स्पेस काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसके पूरे कारपेट साइजेस, इसका पूरा लेआउट सारा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, लिंक्स मैं दे दूँगा। हमारे नंबर्स इस पर डिस्प्ले किए हुए हैं, आपको अगर साइट विज़िट करनी है तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी साइट विज़िट अरेंज कर देंगे। जितना प्यारा ये 1 BHK दिख रहा है, उतना ही 2 BHK एंड 3 BHK भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। 2 BHK में दो ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे फ्रंट स्पेस जो आपका कार पार्किंग एरिया है वहाँ पे डिफरेंट साइजेस है कार पार्किंग के लिए, दो ऑप्शन रखा गया है। प्राइसिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, काइंड ऑफ 2 BHK वैसा आपका हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको पूरा ओपन रखते तो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पे आपके दो कार पार्क हो सकते हैं, एक कार यहाँ पे एंड देन एक कार यहाँ पे। यहाँ पे आपके पूरे बच्चे खेल सकते हैं, गार्डन स्पेस आप बना सकते हो, स्टोर एरिया है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये पूरा डिज़ाइन करके आप एक अच्छा सा विला, एक बंगलो, एक अच्छा सा एंजॉय कर सकते हो। सो डिटेल्स मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपको ऐसे ही इस वीडियो और देखने हैं। मिलते हैं आपके साथ, आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।